अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप घर में चिकन पिज्जा तवे पर किस तरीके से बना सकते हैं विदाउट ओवन। इसमें आपको ओवन की जरूरत नहीं पड़ती, आप तवे पर भी इस तरीके से चिकन पिज्जा बना सकते हैं घर में। सो लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। यू कैन सी इट कि पिज्जा कितना यमी और टेस्टी बना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सबसे पहले हम यीस्ट को एक्टिवेट करेंगे। उसके लिए हम लेंगे 1 टीस्पून यीस्ट और 1 टीस्पून शुगर। यहाँ पर मैंने 1/2 ग्लास वाटर लिया है और उसमें ऐड किया है 1 टीस्पून यीस्ट और 1 टीस्पून शुगर, और उसको मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट्स के लिए रख देंगे एक साइड पर ताकि यीस्ट एक्टिवेट हो जाए। शुगर हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि यीस्ट जो है वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। अब हम डो रेडी करेंगे। डो के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, 1 टीस्पून पाउडर मिल्क, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून ऑयल। ऑयल आपने कम डालना है, जितनी क्वांटिटी में बता रही हूँ उसी के मुताबिक आपने ऑयल डालना है, 2 टीस्पून। अब हम यीस्ट वाटर से डो को अच्छे से गूंद लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और गूंदते जाएंगे। बिल्कुल सेम उसी तरीके से जिस मेथड से हम लोग आटा गूंदते हैं घर में, उस तरीके से आपने 1/2 1/2 क्वांटिटी में ऐड करना है और गूंदते जाना है। डो जो है बहुत ज्यादा नरम नहीं होना चाहिए ना ही बहुत सख्त। आपने क्वांटिटी को माइंड में रखना है, उस तरीके से हम गूंदते जाएंगे। इस तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता आटे को गूंदते जाएंगे। डो को गूंदने के बाद हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे ऊपर से। फ्यू ड्रॉप्स आप ऑयल ले लें और हल्का सा डो के ऊपर लगा लें, और इसके बाद हम प्लास्टिक रैप से रैप कर लेंगे। इसको क्लिंग फिल्म भी कहते हैं, आप उससे रैप कर सकते हैं। अगर आपके पास वो ना हो तो आप सिंपल क्या करें कि उसके ऊपर कोई भी शीट या प्लेट रख दें और साइड पर कवर करके रख दें ताकि कोई एयर बबल्स एंटर ना हो सके और अच्छे तरीके से डो फूल जाए। अब हम ऐड कर रहे हैं 1/2 टीस्पून ऑयल और 1 टीस्पून गार्लिक, जिसको मैंने हल्के से चॉप कर लिया था छोटे छोटे पीसेस में। उसको सौते कर लेंगे। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 केजी चिकन, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। अब मैं उसको फ्राई करूंगी। तब तक हम इसको फ्राई करेंगे चिकन को, जब तक चिकन वाइट से पिंक कलर से व्हाइट में कन्वर्ट ना हो जाए। अब जो जो चिकन है वो व्हाइट हो चुका है। मैं ऐड करी हूँ 1 टीस्पून वेनेगर, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। तमाम मसाला उसको मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला इसका टेस्ट चिकन में डिवेलप हो जाए। और आपने हल्की आंच पर ही तमाम चीजें चिकन को फ्राई करना है, लो फ्लेम पर, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। बेशक अगर आप कवर करना चाहते हैं तो लिड से कवर कर लें। अब हम आते हैं डो की तरफ। डो को हमने करना था 2 आवर्स तक, हमने साइड पर रखना था ताकि 2 घंटे हो जाए। अब 2 घंटे हो चुके हैं, इसलिए मैं अब इसको थोड़ा सा हल्का सा गूंदूंगी। 2 आवर्स के बाद ही काफी फूल चुका है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपने 2 आवर्स तक रखना है। अब हम क्या करें, अब हमने जो पेड़ा बनाया था इस तरीके से आपने पेड़ा बनाना है। अब हम उसको बेल लेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। डो को इस शेप में राउंड बेल लेंगे एंड देन हम प्री हीट कर लेंगे तवे को और उसके ऊपर डाल देंगे पिज्जा डो को, और इस तरीके से फॉर्क से पर्क कर लेंगे। और 3 मिनट्स तक हम लोग, 3 मिनट्स के बाद उसको हल्का सा सेंक लेंगे और पलट लेंगे डो को। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में पिज्जा सॉस अप्लाई करेंगे। नाउ आई एम गोना अप्लाई पिज्जा सॉस।
पिज्जा सॉस जो है मैंने होममेड बना यूज़ किया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो लेट मी नो इन कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। अब हम अप्लाई कर रहे हैं पिज्जा सॉस। आप मार्केट का पिज्जा सॉस भी यूज कर सकते हैं एज पर योर टेस्ट। यहाँ पे मैं होममेड पिज्जा सॉस यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम चीज अप्लाई करेंगे। चेडर चीज को हम यहाँ पर इसके ऊपर फैलाते जाएंगे, क्योंकि जो तवा था वो हमने प्री हीट किया हुआ था 5 मिनट्स तक, इसलिए जो चीज हमने स्प्रेड की है वो मेल्ट हो चुकी है, काफी हद तक मेल्ट हो चुकी है चीज। इस तरीके से हम चीज को स्प्रेड करते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में जो हमने चिकन रेडी किया था उसको स्प्रेड करेंगे। इस तरीके से चिकन को स्प्रेड करते जाएंगे। अब मैं ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को मैंने स्लाइसेस में कट करके रख दिया था। इस तरीके से आपने स्लाइस में कट करना है और देन ऐड कर देंगे। इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे। ऑनियन को भी मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था और अब मैं स्प्रेड कर रही हूँ। अब टोमेटो को मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, अब उसको स्प्रेड करते जाएंगे। टोमेटो के बाद मैं ऑलिव्स को ऐड कर रही हूँ। वन बाय वन ऑलिव्स को स्प्रेड करेंगे पिज्जा के ऊपर। तवे पर पिज्जा बिल्कुल सेम वैसे ही बनता है जिस तरीके से हम ओवन में पिज्जा रेडी करते हैं। सो इस तरीके से हम ऑलिव्स को स्प्रेड करेंगे। लास्ट स्टेप बट नॉट द लीस्ट, इसमें जो बचा हुआ चेडर चीज है उसको स्प्रेड कर देंगे। चेडर चीज मैंने 1 कप यूज किया है और इस तरीके से हम स्प्रेड कर लेंगे चेडर चीज को। छोटे छोटे स्लाइसेस में मैंने कट किया था चीज को और देन इसके बाद हम कवर कर लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं इस तरीके छोटे छोटे स्लाइसेस में आपने चीज को कट करना है। सो नाउ आई एम गोना कवर इट। अब इस तरीके से लेट से कवर कर लेंगे। 8 मिनट तक लो फ्लेम पर पिज्जा को कवर करके रखेंगे। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। नाउ आवर पिज्जा इज रेडी टू सर्व। बहुत ही माशाल्लाह से यम्मी और टेस्टी स्पाइसी पिज्जा बना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक भी कमेंट्स में दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।